सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज कि थोड़ा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। अब वो लेट नहीं होगा, अब आपको टाइम टू टाइम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग को टाइम टू टाइम आप लोग को मिलते रहेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे स्टेट वाइज हो, है ना, सारा वीडियोज आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मैं इन डिमांड जो मैं पढ़ा रहा था, आपने देखा होगा 3 वीडियोज मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, पार्ट 3 तक है। अब ये पार्ट 4 मैं अपलोड, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं पार्ट 4 अपलोड कर दूंगा आज। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि डिमांड का जो है चैप्टर वो पूरा आप लोग समझ सके और जो आपका दोस्त है वो क्लियर इसको समझ सके। तो डिमांड का 4th पार्ट में मेरा है इंडिविजुअल डिमांड, है ना। डिमांड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो डिमांड में एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड है क्या, देखिए इंडिविजुअल डिमांड समझिए, इसका मैंने डिफिनेशन लिखा है कि इट रिफर्स टू डिमांड ए पर्टिकुलर कमोडिटी इन टू मार्केट बाय एन इंडिविजुअल। देखिए यानी कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट से लोग, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट से लोग इंडिविजुअली, यानी पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल कितने लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट से कितने लोग इंडिविजुअली उसको डिमांड कर रहे हैं। जैसे एक पेन है मेरे पास, एक मार्कर है, इस मार्कर से लोग, जैसे हमने खरीदा, पर्टिकुलर खरीदा, पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदा, दूसरे कोई गया इसी मार्कर को लोग, अगर यानी कि दूसरा पर्टिकुलर कमोडिटी को लोग जब खरीदने जाएंगे तो भी मार्कर ही खरीद रहे हैं। यानी कि एक वस्तु को लोग कितने लोग खरीद रहे हैं और वो है ना, कितने लोग खरीद रहे हैं, ये मेरा होता है इंडिविजुअल डिमांड। ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड। यानी एक आदमी गया मार्कर खरीदा, फिर दूसरा आदमी गया वही मार्कर वो खरीदा, फिर तीसरा आदमी गया वही मार्कर वो खरीदा, इसी को क्या बोलते हैं मार्केट स्टूडेंट, इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। अब इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एक कुछ नहीं है, एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सके, इसी को हम लोग शेड्यूल कहते हैं। देखिए इट इज ए लिस्ट विच रिप्रेजेंट हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी डिमांड, यानी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल वेरियस पॉसिबल प्राइस। यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मार्कर, तो मार्कर को जैसे मैंने खरीदा, जाके मान के चलिए इस मार्कर को मैंने 50 रुपीज में खरीदा, दूसरा पर्सन इसी मार्कर को खरीदने के लिए गया तो शायद उसको 50-40 में मिल जाए, तीसरा आदमी गया उस मार्कर को हो सकता है 55 में दे। तो वेरियस पॉसिबल प्राइस में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को इंडिविजुअली कितने प्राइस में खरीदते हैं, ये मेरा डिमांड शेड्यूल होता है। माइनस टू क्या होता है, डिमांड शेड्यूल होता है। हाँ तो माइनस टू देखिए, इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल मैंने जो बताया उसका देखिए मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैंने 5 रुपये का कुछ दे किया, क्वांटिटी डिमांड देखिए कितना है, जैसे प्राइस मैंने इंक्रीज किया क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज किया, फिर मैंने क्वांटिटी प्राइस बढ़ा क्वांटिटी और डिमांड गिर गया। तो देखिए किस तरह से हो रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट में कैसे इंडिविजुअली वेरियस पॉसिबल प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड का क्या हो रहा है, ये हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। देखिए मैंने ग्राफ में कैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए जैसे मैंने 50 यानी 5 रुपये का कुछ लिया तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, यहाँ पे जैसे 10 किया हमारा कितना गया इतना, जैसे 15 किया हमारे यहाँ पे आ गया, और जैसे 20 किया यहाँ, देखिए क्वांटिटी देखिए डिमांड कैसे, जैसे देखिए कैसे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब देखिए मिला लीजिए इसको, अब देखिए इसको इसको अगर हम करते हैं इसको यहाँ पे इसको हम करते हैं, ये माइनस टू स्टेप का ये हमारा डिमांड, ये देखिए जैसे प्राइस कम था डिमांड यहाँ पे, जैसे प्राइस ज्यादा हुआ डिमांड यहाँ कम आ गया, और प्राइस को बढ़ाया डिमांड और गिर गया, और प्राइस बढ़ा और डिमांड गिर गया, ये मेरा डिमांड शेड्यूल का यानी इंडिविजुअल डिमांड का ग्राफ है, ये डिमांड शेड्यूल का ग्राफ। आप लोग समझ गए हैं, है ना, आप लोग को नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको वीडियो बनाकर आप लोग के सामने रखूंगा, है ना। हाँ
हाँ तो माय स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड। अभी मैंने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल डिमांड। अब पढ़ेंगे क्या? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मैंने आपको क्या बताया कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बाय इंडिविजुअल आप लोग कितना डिमांड करते हैं। अब इसमें पढ़िएगा कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ग्रुप ऑफ पर्सन कितना डिमांड करेगा, ग्रुप ऑफ पर्सन कितना डिमांड करेगा, यही हमारा क्या मार्केट डिमांड। यानी कि इट रिफर्स टू द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स। समझ में आ रहा है? यानी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत सारे ग्रुप मिलकर के एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कितना डिमांड करेगा, यही हमारा क्या है? मार्केट डिमांड। क्या है? मार्केट डिमांड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। अब इसी को शेड्यूल है मार्केट डिमांड शेड्यूल का, वही इट इज लिस्ट विच रिप्रेजेंट्स अबाउट हाउ मच क्वांटिटी डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है? इट इज लिस्ट विच रिप्रेजेंट्स अबाउट हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इज डिमांडेड बाय द ऑल द कमोडिटी कंज्यूमर्स। यानी ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके, यानी देखिए मैंने ए प्लस बी लिख दिया, यानी आप ए प्लस बी प्लस सी डी जितना लिख देना आप लिख दीजिए। यानी ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके कितने डिमांड करते हैं, कितना डिमांड करते हैं एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये मेरा शेड्यूल है मार्केट, ये क्या है? डिमांड शेड्यूल है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम अभी इसको ग्राफ लेकर के बताते हैं, देखिए आपको क्लियर समझ में। हाँ, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल को देखिए, मेरा चार्ट मैंने बनाया। देखिए प्राइस जब किसी एक कमोडिटी का पास, यानी प्राइस 5 था तो उसका क्वांटिटी डिमांड 50, फिर 10 की तो 30 हुआ, फिर 50 की यानी 20 हुआ, और 20 की 10 हुआ। ये मेरा देखिए इसका। लेकिन जब दूसरा कमोडिटी यानी ग्रुप ऑफ पर्सन जब लेने गए किसी भी कमोडिटी, तो देखिए हो सकता है 5 का उसको 130, 10 का उसको 120 मिले। देखिए उसका भी डिमांड डिक्रीज ही हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसका भी डिक्रीज ही हो रहा है, इसका भी डिक्रीज हो रहा है, उसका भी डिक्रीज हो रहा है। एक प्राइस का देखिए, प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है इसका भी देखिए डिमांड हमारा क्या डिक्रीज कर रहा है, उसका भी डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ये सब लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। किसका फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। अब देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके मार्केट डिमांड कितना हुआ, तो टोटल इसका 130 हुआ, 180 हुआ, 150 हुआ, 130 हुआ और 110 हुआ। आप देख लीजिए, तो देखिए प्राइस 5 पे 180, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप ऑफ पर्सन मान के चलिए ए प्लस बी सी डी आप जितना भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके कितने डिमांड हुआ, मार्केट डिमांड कितना हुआ, तो टोटल डिमांड को मैंने जोड़ा, टोटल डिमांड को मैंने क्या क्या ऐड कर दिया। तो उसी तरह जब 5 रुपये पे टोटल हमारा कितना हुआ, 180 हुआ, 10 पे कितना 150 हुआ, 15 पे कितना 130 हुआ और 20 पे कितना 110 हुआ। देखिए कैसे कैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो मेरा डिमांड भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ को देखिए इसी तरह सेम टू सेम जैसे मैंने डिमांड इंडिविजुअल डिमांड को बनाया उसी तरह से इसका भी बनेगा। आप देखिए है ना, अब मेरा इधर क्या प्राइस हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इधर क्या है ना 110, सबसे 130, 150, 180। देखिए थोड़ा सा फिर कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा ना। देखिए जब 5 रुपीज था तो 180 था यहाँ पे लिख गया, जब 10 था तो 150 आ गया वहाँ हो गया, जब 15 था तो 130 आ गया और 20 था तो 110 आ गया। देखिए डिमांड क्या है, देखिए डाउनवर्ड आ चुका है, यानी डिमांड क्या है, देखिए डाउनवर्ड आ चुका है या नहीं। देखिए ये हमारा डी है, डाउनवर्ड डिमांड का करो तो इसी में डी देखिए मिलाइए आप, है ना। देखिए ये मेरा एक प्राइस है, एक क्वांटिटी। देखिए आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट डिमांड का क्या सिचुएशन, यानी जैसे प्राइस मेरा इंक्रीज कर रहा है वैसे डिमांड मेरा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि टोटल ऑफ यानी ग्रुप ऑफ पर्संस कितने मिल करके डिमांड कर रहा है मार्केट में, यानी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके
कितना डिमांड कर रहा है, ये मेरा मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल है, आप समझ गए हो ग्राफ को, ठीक है। तो ये मेरा डिमांड का चैप्टर लास्ट टॉपिक था, मेरा डिमांड यहाँ तक खत्म हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर गिफियन गुड्स के बारे में थोड़ा समझा दीजिए, गिफियन गुड्स है क्या, यानी कि गिफियन गुड्स यानी वैसा वस्तु है जो, यानी इसका जो सबसे पहले है जो सर गिफियन नाम का एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड को चैलेंज किया था कि कुछ कुछ प्राइस यानी कुछ कुछ कॉमोडिटीज है जो प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी उसका बढ़ता है, और बात सही हुआ। जैसे इमरजेंसी के टाइम में मैंने बता चुका, अपने पीछे वीडियो देखिए, एक कोई स्टूडेंट ने कोई कमेंट किया था सर गिफियन गुड्स के बारे में, फिर से बताइए थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूँ, वही है कि जब प्राइस बढ़ता है तो वहां पर डिमांड भी उसका बढ़ता है, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, और प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड भी उसका घटेगा, ये गिफियन गुड्स के बारे में आप लोग जाके देख लीजिए टॉपिक में डिस्कस। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, वॉर और इमरजेंसी है ना, एक ऐसा टाइम सिचुएशन आ जाता है, लोग क्या करते हैं कि घरों में सामान रखना शुरू कर देते हैं, प्राइस कितना हाई चल जाता है फिर भी लोग उसको खरीद खरीद कर अपने घर में रखते हैं, उस टाइम तो प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, फिर भी डिमांड करते कि नहीं करते है ना, तो होता है हमारा गिफ्ट। जैसे चावल, चावल क्या है, चावल एक ऐसा वस्तु नेसेसिटीज वस्तु में अगर हम ले लें, खाना खाते भात बनाते हैं, तो कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसको हम लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे उसका डिमांड तो रोक नहीं देंगे ना, उसको करेंगे ही करेंगे। तो कुछ कुछ जगहों पर जो है ना लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, जो इस गुड्स के बारे में सर गिफियन नाम का इकोनॉमिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसको गिफियन गुड्स के नाम से जाना है, है ना, ये सब हमारा क्या है, गिफियन गुड्स के नाम में जाना है, ठीक है। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को देखिए, वहां पे आपको क्लियर समझ में, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।